मिनट हैंड को आप, क्योंकि यहाँ टच करेगी नंबर को, तो ये 14 सेंटीमीटर मुझे दी हुई है। इनडायरेक्टली इसने मुझे क्या दे दिया, लेंथ दे दी, रेडियस दे दी। उसके बाद ये बोलते हैं फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब हम घड़ी देखते हैं तो इधर बचते हैं 12, इधर 3, इधर 6 और इधर 9। यहां 1, यहां 2, यहां 4 और यहां 5, यहां 7 और यहां 8, यहां 10 और यहां 11। ये पार्ट होता है। अभी हम वो एरिया मानते हैं हमसे जब ये जो घड़ी की सुई है ये 5 मिनट स्वेप्ट हो जाए, मतलब कोई भी 5 मिनट। हम जानते हैं कि 1 से 2 के बीच में ही 5 मिनट होते हैं। लेट सपोज ये वाला एरिया मैंने पकड़ लिया, ये 5 मिनट हो गए। तो यहां ओरिजिन से यहां तक का पार्ट और ओरिजिन से यहां तक का पार्ट, ये मुझे निकालना है। इनकी मांग है कि इस एरिया को निकालो, इस स्वेप्ट एरिया को हमें निकालना है। तो समस्या क्या है? समस्या सिर्फ एक है कि इसका एंगल मुझे नहीं पता, थीटा क्या होगा ये इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने मुझे रेडियस दे दिया लेकिन थीटा के बारे में कोई जानकारी यहां पर मुझे नहीं दी है। सो थीटा की वैल्यू यहां पर कैसे निकाली जाए, उसी के लिए हम यहां पर काम करेंगे। हम जानते हैं कि टोटल एंगल एक किसी भी घड़ी का, किसी भी सर्कल का क्या होता है, टोटल एंगल एक सर्कल का होता है 360 डिग्री। अब एक घड़ी में कितनी मिनट होती है, मुझे यहाँ पर 5 मिनट के बारे में जानकारी लेनी है कि उन्होंने 5 मिनट स्वेप्ट कराया तो जितना एरिया कवर हुआ वो मुझे निकालना है। तो घड़ी में टोटल मिनट कितनी होती है अगर हम गिने तो हर एक घंटे में यहाँ पर 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, 5 मिनट करते करते 60 मिनट हुई। तो टोटल मिनट कितनी हो गई, 60। तो 60 मिनट में कितने डिग्री एंगल आया, 360 डिग्री इन 60 मिनट। तो इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री एंगल बनेगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 गया, आंसर आ गया 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री एंगल बनाएगी। सो इन 5 मिनट कितना एंगल बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 × 6 डिग्री गेटिंग 30 डिग्री एंगल आ गया। तो 30 डिग्री का मेरे पास एंगल आ गया। जैसे आपने ये दो काम किए इसके बाद बस आपके पास आंसर ही होगा, फॉर्मूला पुट करना, आंसर निकल आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ स्वेप्ट, एरिया बोल सकते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो। तो एरिया ऑफ स्वेप्ट या एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इट इज 14 स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, यह आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 1/12। तो पाई की वैल्यू अगर हम देखूं तो 22/7 पुट करेंगे, यहाँ आया 14 × 14, देन 7 × 2 = 14, यह आ जाएगा 2 × 6 = 12, देन यह आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 11। So, 11 × 14 × 3 ये पार्ट मेरे पास बना। तो 14 को 11 से मल्टीप्लाई कराएं तो यहां जाएगा 4, ये 5, ये 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया उसने कवर किया, आंसर फिनिश। अगेन आई रिपीट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इसके बाद एक स्टेटमेंट जरूर लिख देना नीचे अंग्रेजी में, द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब रिप्रेजेंटेशन मानी जाएगी। सेंटीमीटर स्क्वायर तब रिप्रेजेंटेशन मानी जाएगी।